गियरलेस स्कूटर इंडिया में जितने भी हैं ऑटोमोबाइल मार्केट के हमेशा सेंट्रल में रहते हैं और जितने भी गियरलेस स्कूटर हैं मोटरसाइकिल के सारे सेगमेंट में कड़ा टक्कर देते हैं और इंडिया में जितने भी कंज्यूमर है जो गियरलेस स्कूटर खरीदते हैं उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे मैं इनकी वैरायटी को लेकर बात करूँ, चाहे इनकी वैरियंट की लेकर बात करूँ या किसी भी तरह की लेकर बात करूँ, इनकी कोई वैरियंट में कोई भी ऐसी कमी देखने नहीं मिली। काफ़ी सारे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं और जब से पिछले साल BS6 नॉर्म आया था, पता नहीं सबको पिछले साल BS6 आ गया था, तो उसी के जो रिजल्ट के अनुसार बहुत सारी कंपनी ने अपने स्कूटर्स के जो रेट है काफ़ी बढ़ा दिए हैं और 2021 में तो बहुत सी जितने भी मैन्युफैक्चर कंपनी था उन्होंने अपने जो रेट है इन सब के रेट हैं वो अभी इंक्रीज कर भी दिए होंगे उनके। अगर आप लोग प्राइस चेक करोगे तो रेट में थोड़ा सा इंक्रीज आपने देखने मिलेगा, मतलब इन लोगों ने रेट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे 5 स्कूटर लेके आया हूँ जो अभी भी किफ़ायती हैं, मतलब बजट फ्रेंडली हैं। तो इस वीडियो को भी एंटर देखना और मेरी लिस्ट देख लो। अगर आप लोग स्कूटर खरीदने सोच रहे हो या गियरलेस स्कूटर खरीदने सोच रहे हो इस साल तो ये देख लो, क्योंकि मैं इस वीडियो में बजट फ्रेंडली गियरलेस स्कूटर की बात करूंगा। ठीक है डीलन, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मेरी बजट फ्रेंडली गियरलेस स्कूटर की पहली लिस्ट पे है TVS की पेप प्लस। TVS स्कूटी पेप प्लस की सेल सालों से चल रही है और ये एक ऐसा स्कूटर है जो सभी को पसंद आता है। स्कूटी पेप प्लस के ग्लासी वेरियंट की कीमत 54,374 रुपए से है, जबकि मैट एडिशन की जो कीमत है वो 56,254 रुपए है और ये दोनों ही कीमतें एक शोरूम है, वो भी दिल्ली में। मैं जो इस वीडियो में रेट बताऊंगा स्कूटीज की वो दिल्ली के अकॉर्डिंग होगी। अगर आप लोग किसी और स्टेट से देख रहे हो तो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा जिसमें आप जाके चेक कर सकते हो कि आपके स्टेट में रेट क्या चल रहा है एक शोरूम या ऑन रोड जो भी है, और इसमें आप EMI भी चेक कर सकते हो कि EMI ऑप्शन भी अवेलेबल होगा कि EMI कितनी बनेगी। तो वापस चलते हैं TVS स्कूटी पेप प्लस की तरफ, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। स्कूटर को पावर देने के लिए 87.8 cc का फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल सिलेंडर मोटर मिलता है जो कि 6,500 RPM पे 5.4 PS का पावर देता है और 3,500 RPM पे 6.5 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। तो मेरी बजट फ्रेंडली गियरलेस स्कूटर की लिस्ट में अगली है हीरो की प्लेजर प्लस। साल 2019 में हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो प्लेजर प्लस को एक नए डिजाइन और कुछ नए मैकेनिकल के साथ अपडेट किया था। हीरो का ये सबसे किफायती स्कूटर 110.9 cc सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ आता है जो कि 8.1 PS का पावर देता है और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो इस स्कूटर के आपको 3 मॉडल मार्केट में देखने को मिलेंगे, जिनमें से पहला तो है LX, दूसरा है VS और तीसरा है प्लेटिनम ZX, जिनकी कीमत कुछ ऐसी होती है कि LX की जो कीमत है एक्सशोरूम वो है 57,300, VS की जो कीमत है एक्सशोरूम वो है 59,950 और प्लेटिनम ZX की जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 61,950 रुपए। तो मेरी बजट फ्रेंडली गियरलेस स्कूटर की लिस्ट में अगली है TVS की ZEST 110। TVS ZEST 110 की जो प्रेजेंट कीमत है ब्राइट पेंट स्कीम के लिए वो है 61,345 रुपए। और मैं बता दूं ब्राइट पिंक स्कीम के अंदर आपको दो कलर अवेलेबल होंगे, एक तो फिरोजा और होगा बैगनी, जबकि अगर आप TVS ZEST को मैट कलर में लेते हो जो कि मैट ब्लैक, मैट ब्लू, मैट रेड, मैट येलो में अवेलेबल होगा, उसी कीमत होगी 63,345 रुपए। और ये दोनों ही कीमत एक्सशोरूम है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ मेरी सारी जो प्राइस होंगी वो एक्सशोरूम होंगी। इस स्कूटर का कुछ मेन अट्रैक्शन है जिनमें से पहला तो है LED DRL, LED टेल लाइट और एक डुअल टोन सीट शामिल है। स्कूटर को एक 9.7 cc का इंजन मिलता है जो 7,500 RPM पे 7.8 PS का पावर देता है और 5,500 RPM पे 8.8 Nm और टॉर्क देता है। तो मेरी बजट फ्रेंडली गियरलेस स्कूटर की लिस्ट में अगली है हीरो मैस्ट्रो एच 110। हीरो मैस्ट्रो एच दो मॉडल में अवेलेबल है, एक तो है 110 cc और एक है 125 cc, जिसमें से पहले वेरिएंट की कीमत जो है 61,950 रुपए है और दूसरे वेरिएंट की कीमत है 63,450 रुपए। स्कूटर को पावर देने के लिए 110.9 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 8.1 PS का पावर देता है और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हीरो ने मैस्ट्रो एज 110 को नई कलर स्कीम के साथ पेश किया है जिसमें ZX वेरिएंट के लिए कैंडी ब्लेजिंग रेड, पर्ल फेडलेस व्हाइट, पैंथर ब्लैक, टेक्नो ब्लू, मिडनाइट ब्लू और सिल सिल्वर शामिल है। तो मेरी बजट फ्रेंडली गियरलेस स्कूटर की लिस्ट में अगली है होंडा की डियो। होंडा डियो इंडियन मार्केट में सबसे अच्छे दिखने वाले स्कूटर में से एक है और स्कूटर को पिछले साल एक नए डिजाइन और पावर ट्रेन के साथ अपडेट किया गया था। होंडा डियो की प्रेजेंट में जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसकी जो कीमत है वो है 62,239 रुपए। होंडा डियो की जो DLX वेरिएंट है उसकी जो कीमत है शोरूम वो है 65,627 रुपए। इसमें 109.5 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो 8,000 RPM पे 7.7 PS का पावर देता है और 4,750 RPM पे 9 Nm का टॉर्क देता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें LED हेडलैम्प, LED DRL, ऑल न्यू डिजिटल स्पीडोमीटर, फ्यूल कैप, इंजन स्टार्ट और स्टॉप बटन, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ और स्प्लिट ग्रैब रेल। तो होंडा ड्यू के अंदर आपको ये सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे और ये सारे जितने मैंने स्कूटर बताए हैं सारे बजट फ्रेंडली हैं क्योंकि ये सारे बजट के अंदर आ जाते हैं, जो क्योंकि नॉर्मली जो भी कोई स्कूटर लेने जाता है उसका बजट इतना होता है कि 60-70-80 इसके अंदर में सोचता है कि हाँ स्कूटर आ जाए, वो भी ब्रांड न्यू, सेकेंड हैंड की ब्रांड न्यू स्कूटर की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा कि इतने सारे बजट फ्रेंडली स्कूटर्स आते हैं और मेनली जो मैंने 5 बताए हैं
ये मेरी लिस्ट में टॉप पे है। और भी स्कूटर्स आते हैं, ऐसा नहीं कि और भी स्कूटर नहीं है, सिर्फ यही है, और भी स्कूटर्स हैं, बस ये मेरी लिस्ट में टॉप पे यही है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो आपको पता है क्या करना है, तो इस वीडियो को सीखने के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।